कंपटीशन हब के वीडियो लेक्चर में स्वागत है आपका। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं बिहार टीटी जो सोशल साइंस के जो पेपर हुए थे उसका आंसर की बताने जा रहा हूं। तो स्टूडेंट्स, मैंने खुद ये आंसर की अपने सोच समझ के बनाया है। हो सकता है कि आपका 100% ये सही नहीं हो, लेकिन हाँ 90% तक जरूर ये मेरा सही होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मेरे हिसाब से आप अपना आंसर की मिला लें। अगर आपका 83 बनता है तो ओबीसी हैं, अगर 83 बन रहा है तो आप क्वालिफाई जरूर होंगे। 90 प्लस है जनरल वालों के लिए और 75 है एससी एसटी वालों के लिए। ठीक है, तो ये अगर आप नंबर लाते हैं इतना आंसर की मिलाने के बाद तो आपका जरूर होगा क्वालिफाई, आप जरूर करेंगे। तो थोड़ा सा मिला लें। जो पहला क्वेश्चन था सेक्शन सेट ए का जो सोशल साइंस का है उसका मैं बता रहा हूँ अभी, तो आपको याद ही होगा क्या आपने आंसर दिया था उसका। अगर आपके पास क्वेश्चन पेपर या बुकलेट नहीं है तो आप देख लेंगे बार। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो वो है व्यवहार में क्षणिक परिवर्तन सीखने के दायरे में नहीं आता है। और भी थे जिसे सीखना प्रायः सापेक्षिक रूप से व्यवहार में अस्थायी परिवर्तन है, तो बिल्कुल सही है। परिपक्वता सीखने पर निर्भर करता है, बिल्कुल आप सीखेंगे तो परिपक्वता आएगी। और इसमें जो आंसर था वो सी है जो कि कथन सही नहीं है, और आपका यहाँ पे व्यवहार में क्षणिक परिवर्तन सीखने के दायरे में नहीं आता, ये गलत है। तो दूसरा क्वेश्चन है बाय गोत्स्की के अनुसार बच्चे जब कुछ नया सीख रहे होते हैं तो उन्हें हुनरमंद व्यक्ति के सहारे की आवश्यकता होती है, इस संप्रत्यय को उन्होंने क्या संज्ञा दी है? तो इसको उन्होंने संज्ञा दिया है विकास का निकट क्षेत्र। क्या दिया है? विकास का निकट क्षेत्र। उसके बाद देखिए क्वेश्चन है 3 नंबर, एक बालिका गणित के सवाल हल करने के क्रम में 6 × 3 = 18 और 18/3 = 6 को समझने की स्थिति प्राप्त कर लेती है। मनोवैज्ञानिक पियाजे के संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अब वह किस अवस्था में है? तो वो है आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कौन सा होगा? मूर्त। देखिए मूर्त क्या होता है, मूर्त आप जब कोई भी चीज लिखकर समझ लेते हैं या जो चीज देखकर लिखते हैं वो मूर्त होता है, अमूर्त जो आप सिर्फ कल्पना करते हैं। ठीक है, तो ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, क्योंकि ये लिखकर उसको समझ रहे हैं और बच्चे समझ लेते हैं तो ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। आपने बच्चों को स्वयं से बात करते देखा होगा, संज्ञात्मक विकास के संदर्भ में आप इसे किस रूप में देखते हैं? देखते होंगे कि आप बहुत बच्चे खुद में अपने आप में बात करते रहते हैं, कुछ सोचते रहते हैं, कुछ करते रहते हैं, तो वो क्या है, वो व्यक्तिगत वार्तालाप आंतरिक वार्तालाप में बदल जाता है जो चिंतन के विकास में सहायक है। वो चिंतन एक्चुअली वास्तव में वो सोच रहे होते हैं, चिंतन कर रहे होते हैं, तो ये विकास में सहायक है, जो चिंतन के विकास में सहायक होता है जो खुद वार्तालाप करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गार्डनर द्वारा प्रतिपादित बहुविधि सिद्धांत में शामिल है? तो गार्डनर भी एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक थे, मनोविज्ञान से रिलेटेड हैं गार्डनर। तो ये इनका जो आंसर है इसका वो होगा स्थानिक बुद्धि और सांगीतिक बुद्धि दोनों, मतलब ये जो होगा इसका तो यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गार्डनर द्वारा प्रतिपादित बहुविधि सिद्धांत बहुबुद्धि सिद्धांत में शामिल है? तो इसका आंसर जो होगा वो तीनों होगा यहाँ ऑप्शन में, ऑप्शन ए में दिया हुआ है जैसे स्थानिक बुद्धि, फिर सांगीतिक बुद्धि, अस्तित्ववादी बुद्धि, तो ये तीनों होगा 1, 2, 3 जो तीनों है ये सभी आपने अगर दिया होगा तो सही होगा आपका। निम्न से कौन प्राथमिक पुनर्बलन का उदाहरण है? तो प्राथमिक पुनर्बलन, देखिए यहाँ पे दो, यहाँ पे आंसर में कन्फ्यूजन हो रहा है, एक बच्चे को शाबाशी देना और दूसरा है बच्चे द्वारा अच्छा कार्य करने पे बहुत अच्छा कहना। ठीक है, तो दोनों हो सकता है, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो मैंने ऐसे बच्चे को शाबाशी देना ही मैंने लिया है। देखिए अब बिहार बोर्ड के आंसर की में क्या आता है, कसौटी संबंधित मूल्यांकन संबंधित है, तो कसौटी संबंधित जो मूल्यांकन है वो है निर्धारित दंड से, सॉरी या कसौटी संबंधित है तो ये होगा ज्ञान के सापेक्ष स्थिति के मूल्यांकन से।
कसौटी पे खरा उतरना नहीं बोलते हैं जैसे मुहावरा, कसौटी पे खरा, मतलब ये एग्जाम परीक्षा से रिलेटेड है। ज्ञान के सापेक्ष स्थिति के मूल्यांकन से जो जितना ज्ञान है उसके अनुसार उसका मूल्यांकन होता है, तो वही चीज संबंधित है कसौटी। ठीक है, उसके बाद कोलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास सिद्धांत के पूर्व पारंपरिक स्तर के अनुसार जब बच्चा कोई नैतिक निर्णय लेता है तो उसका आधार होता है, तो उसका आधार जो होता है वो होता है संभावित निर्धारित दंड से बचाव। जब वो मतलब इसका आंसर हो जाएगा संभावित निर्धारित दंड से बचाव। क्यों? क्योंकि जब वो बच्चा अपने हिसाब से नैतिक निर्णय लेता है तो वो डर के लेता है कि कहीं से बचना होता है उसको, सोच समझ के मतलब बचाव के लिए वो लेता है, तो संभावित निर्धारित दंड से बचाव के लिए वो करता है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत मानसिक निशक्तता से संबंधित, नहीं थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है टाइपिंग में तो उस पर ना जाए, यहाँ निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत मानसिक निशक्तता से संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन जैसे था डाउन सिंड्रोम, तो डाउन सिंड्रोम वही मानसिकता असंतुलन से संबंधित है, सिकलेनसेल अनिमिया ये भी है, एक स्वलीनता जो है स्वलीनता वो निशक्तता से संबंधित नहीं है, इसका आंसर होना चाहिए स्वलीनता। उसके बाद है अभी हाल में ही दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम 2016 को पारित किया गया, इस अधिनियम के अंतर्गत निशक्तता के प्रकारों की संख्या कितनी है, तो वो है 21, ये आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, 21 है। किसी भी अनुक्रिया के विलुप्त सबसे कठिन होती है जब, तो किसी भी अनुक्रिया के विलुप्ति सबसे कठिन होती है जब क्या होता है कि सतत पुनर्बलन दिया जाए, तो सतत बार बार पुनर्बल देता है, तो वो किसी भी अनुक्रिया के विलुप्ति सबसे कठिन होती है जब सतत पुनर्बलन दिया जाए। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक बच्चा जानने लगता है कि गाय की चार टांगे और एक पूंछ होती है और उसके बाद जब वह भैंस को देखता है तब वह भैंस को भी गाय कहकर पुकारता है, यह प्रक्रिया उदाहरण है, तो यह प्रक्रिया आत्मसातीकरण कहलाता है, समायोजन नहीं होगा, ऑप्शन में जैसे समायोजन भी था, अनुकूलन था, संतुलन था, तो ये नहीं होगा, आत्मसातीकरण, उसको ऐसा लगता है कि इसके पास भी चार टांग है पूछे, तो वो अपने आत्मा के हिसाब से आत्मसातीकरण के द्वारा बताता है कि ये भी गाय ही होगा, सोचता है। ठीक है, तो आत्मसातीकरण इसका आंसर होना चाहिए। उसके बाद सलमा एक प्रारंभिक विद्यालय में एक शिक्षिका है जिन्हें बच्चों को सिखाना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वह शिक्षण के लिए तरह तरह के संसाधनों कक्षा के रोचक प्रयोग करती है, सलमा अभिप्रेरित है, तो बाह्य रूप से, सक्रिय रूप से, सामूहिक रूप से, तो आंतरिक रूप से, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंतरिक। जब तक आपके अंतर आत्मा में पढ़ाने के प्रति ललक ढंग से नहीं होगा तो आप उतने क्लास को रुचिकर नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो ये होगा आंतरिक रूप से। कक्षा 8 या 9 के बच्चे सामान्यतः निम्नलिखित में से किस अवस्था में होते हैं, तो किशोरावस्था पता ही होगा आपको, 8-9 किशोरावस्था आपका 12 से लेके कब तक चलता है, तो 18 तक, एडोलसेंस जिसको बोलते हैं, तो टीनेज भी बोला जाता है, 8 या 9 के बच्चे समानता क्या होते हैं, टीनेजर होते हैं, किशोरावस्था में होते हैं, एडोलसेंस ये बहुत खतरनाक एज माना जाता है। निम्न में से कौन सा स्तंभ लर्निंग द ट्रेजर विद इन नमक रिपोर्ट को वर्णन करता है, तो निम्न में से कौन सा स्तंभ जो है लर्निंग द ट्रेजर विद इन नामक रिपोर्ट को वर्णित नहीं है, रिपोर्ट में वर्णित नहीं है पूछ रहा है यहाँ पे, तो जैसे है लर्निंग टू नो ये भी है, लर्निंग टू डू ये भी है, लर्निंग टू बी ये भी है, लर्निंग टू एडजस्ट ये नहीं है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, वर्णित नहीं है, वो है लर्निंग टू एडजस्ट। थोड़ा सा क्वेश्चन टफ था स्टूडेंट्स, इस बार बिहार जो TET का एग्जाम हुआ क्वेश्चन का लेवल हाई है, ये KVS लेवल के हिसाब से क्वेश्चन सेट किया गया है, क्योंकि बच्चे ज़्यादा थे तो उनको छांटना भी जरूरी है, तो क्वेश्चन टफ यहाँ पे पूछा गया है। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 निम्नलिखित में से किस विकल्प पर जोर नहीं देती है, देखिए मैक्सिमम क्वेश्चन नहीं वाला पूछा जाता है यहाँ पे पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आलोचनात्मक शिक्षा शास्त्र सामूहिक निर्णय की प्रक्रिया को सुगम बनाता है, ऐसा नहीं है, नहीं देता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आप निम्न में से किस संदर्भ को शिक्षण कार्य को प्रभावशाली बनाने हेतु सर्वाधिक उपयुक्त मानते हैं, जिसमें
शिक्षार्थी जो शिक्षा अध्ययन करता हो स्वायत्त एवं स्वतंत्र हो, जिसमें शिक्षार्थी क्या हो स्वायत्त एवं स्वतंत्र हो, वो जो होगा प्रभावशाली होगा, उसमें सर्वाधिक उपयुक्त प्रभावशाली होगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कक्षा में अच्छा चलिए इसके पहले क्वेश्चन छूट रहा है 18 नंबर, सुमेलित नहीं है तो सुमेलित कौन सा नहीं है। आगमन विधि मैंने आपको बताया था, संश्लेषण विधि सारे विधि को मैंने बताया था, तो यहाँ पे जो है उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं उसको आगमन विधि बोला जाता है। तो यहाँ पे मतलब उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं तो ये तो बिल्कुल सही है। तो और दूसरा था सामान्य से विशिष्ट की ओर, तो इसमें सामान्य से विशिष्ट की ओर नहीं जाते, इसमें विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हैं आगमन, तो ये आपका ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, सामान्य से विशिष्ट की ओर ये आगमन विधि सुमेलित नहीं है। कक्षा में वास्तविक संसारिक समस्याओं से संबंध जटिल परियोजनाओं पर कार्य करते हुए अध्यापक व छात्र एक दूसरे के अनुभवों से परस्पर सीखते रहते हैं, उदाहरण है, तो ये उदाहरण है रचनात्मक कक्षा का। जब रचनात्मक कक्षा होगा तभी छात्र और जो अध्यापक होंगे एक दूसरे से सीखेंगे। जब रचनात्मक कक्षा में ही दोनों एक दूसरे पारस्परिक संबंध रहता है। चलिए संस्कृतिकरण, जो संस्कृतिकरण की समाज शास्त्रीय सिद्धांत के प्रतिपादक हैं तो वो हैं इमाइल दुर्खिम, कौन से हैं तो थोड़ा सा मुझे मिस्टेक लग रहा है, मुझे लगता है हाँ एम एन श्रीनिवास होना चाहिए, हाँ वही है यहाँ पे लिखा हुआ एम एन श्रीनिवास, बिल्कुल सही है। एम संस्कृतिकरण के जो समाज शास्त्रीय सिद्धांत के प्रतिपादक हैं वो हैं एम एन श्रीनिवास। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, एक विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता का अति महत्वपूर्ण सूचक है, तो ये है विद्यार्थियों की उपलब्धि स्तर। ठीक है, अगर अच्छा विद्यालय होगा तो उसके विद्यार्थियों की उपलब्धि स्तर भी ऊंचा होगा, अच्छा होगा। फॉर एवरी चाइल्ड तथा यूनाइट फॉर चिल्ड्रेन स्लोगन निम्नलिखित में से किस संस्था का है, तो ये आप इतना जानिए यूनिसेफ जो चिल्ड्रेन फंड एकेडमी होता है, यूनिसेफ चाइल्ड से रिलेटेड है, तो ये यूनिसेफ का कथन है, याद रखेंगे। और भी ऑप्शन थे जैसे यूनेस्को है, तो यूनेस्को तो धरोहर विश्व के धरोहर के बारे में जो भी धरोहर है, और यूनिसेफ जो है चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड है, चाइल्ड के बारे में, और रेड क्रॉस सोसाइटी आपको पता ही है हेल्थ से रिलेटेड है, सोसाइटी फॉर चिल्ड्रेन प्रोटेक्शन, ये अलग चीज़ है, तो यूनिसेफ होगा। वयस्क व्यक्ति के शिक्षण प्रशिक्षण के सिद्धांत एवं तरीकों से संबंधित है, तो एंड्रोलॉजी क्या है, वयस्क जो भी वयस्क व्यक्ति के शिक्षण एवं प्रशिक्षण सिद्धांत के तरीकों से संबंधित जो लॉजी है वो है एंड्रोलॉजी, एंड्रोलॉजी। ठीक है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 की तुलना में बिहार पाठ्यचर्या रूपरेखा 2008 में निम्नलिखित में से किस प्रकार एक विशिष्ट अध्याय है, तो ग्रामीण शिक्षा के लिए पाठ्यचर्या, थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है उस पर ध्यान ना दें, इसका हो जाएगा ग्रामीण शिक्षा के लिए पाठ्यचर्या। ठीक है, क्योंकि बिहार की 70% आबादी गाँव में रहती है और ग्रामीण शिक्षा ही मेन शिक्षा है बिहार के लिए, तो यहाँ पे पाठचर्या के लिए पाठचर्या ही यहाँ का आंसर होगा। लर्निंग आउटकम, लर्निंग आउटकम को लेकर शिक्षा के अधिकार अधिनियम से संशोधन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पे देखिए जो भी है यहाँ पे उपरोक्त सभी होगा। ठीक है, उपरोक्त सभी प्रारंभिक कक्षाओं के लिए कक्षावार एवं विषयवार लर्निंग आउटकम को तैयार करना है, परिभाषित लर्निंग आउटकम को प्राप्त करने के लिए CCE को अमल में लाना है, लर्निंग आउटकम को RTI अधिनियम में संशोधन करके 2017 में जोड़ा गया है, उपरोक्त सभी। ठीक है, इसमें आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। पुस्तक उम्मीदों का शिक्षा शास्त्र के लेखक हैं पौले फेरे, कौन से हैं पौले फेरे, याद रखना है आपको, जो पुस्तक उम्मीदों का शिक्षा शास्त्र पेडागोगी ऑफ ऑफ के लेखक हैं पौले फेरे, याद रखना है आपको। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, बिहार में गठित समान विद्यालय प्रणाली आयोग से निम्नलिखित में से कौन सा संबंध नहीं है, तो वो है प्रोफेसर अनिल सतगोपाल का संबंध नहीं है, मदन मोहन झा का भी है,
ये और भी ऑप्शन थे, मुस्कुंद दुबे का भी है, प्रोफेसर कृष्ण कुमार का भी है, तो इनका नहीं है, प्रोफेसर अनिल सतगोपाल का नहीं है। किसी पाठ को जल्दी से पूरा करने के लिए एक शिक्षक अपनी पसंद के कुछ बच्चों से अपेक्षित उत्तर से पूछ लेता है और पाठ को यहाँ पे समाप्त होना चाहिए, समाप्त करता है, कर देता है। इससे आशय निकाला जा सकता है, क्या निकाला जा सकता है कि इसके बाकी बच्चे भी उत्तर देने के लिए प्रेरित होंगे, ठीक है। तो ये इसका आंसर नहीं होगा, इसका आंसर यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे होना चाहिए या बाकी बच्चों के संदर्भ में सीखने के समान अधिकारों के खिलाफ है, ये होना चाहिए। ये आप जो है इसको आप यहाँ से आप इसको डिलीट कर लें, मैं डिलीट कर देता हूँ, ये यहाँ आंसर गलत है, ठीक है। चलिए इसका आंसर क्या होगा तो वो सुन लें, ये होगा यह बाकी बच्चों के संदर्भ में सीखने के समान अधिकारों के खिलाफ है। अगर अच्छे बच्चे सीख लेते हैं और बाद में के बच्चे नहीं सीखते हैं तो वो उनके खिलाफ है, ठीक है। बच्चों को शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाना जरूरी है क्योंकि यह बच्चों का अनुभव आधारित सीखने की सशक्त माध्यम है, बिल्कुल। इसका आंसर क्या हो जाएगा, यह बच्चों के अनुभव आधारित सीखने की सशक्त माध्यम है। जेंडर समानता से क्या तात्पर्य है, जेंडर समानता से तात्पर्य है स्त्री एवं पुरुष सामाजिक भूमिकाओं में सार्थक समानता है, मतलब स्त्री और पुरुष के सामाजिक भूमिकाओं में सार्थक समानता लाना ही इसका मेन उद्देश्य होता है, जेंडर समानता का। तो ये था मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, जहाँ से 30 क्वेश्चंस आए हैं, तो क्वेश्चंस जो है मॉडरेट से टफ की ओर है, मतलब आसान नहीं है क्वेश्चन, क्वेश्चन मॉडरेट से टफ किया गया है, टफ क्वेश्चन ज्यादा हैं इसमें, तो इतना मतलब देखिए क्या होता है। बाकी कट ऑफ तो वही रहेगा क्योंकि बच्चे ज़्यादा हैं, तो लगभग बच्चों ने क्वेश्चन बनाया है 83, 85, 90 के अप्रॉक्स जो बच्चों ने स्कोर करने का, मतलब जहाँ तक मुझे पता है, जहाँ तक बच्चों ने बात किया तो मैंने देखा है कि 90 तक बच्चे स्कोर, 91, 92 तक स्कोर कर रहे हैं, तो कट ऑफ तो वही रहेगा। और आप अगर आप STET की तैयारी करना चाहते हैं और नेक्स्ट टाइम आप STET में बैठेंगे तो मैं एक प्रॉपर जो एक मटेरियल बना रहा हूँ STET के लिए, तो आपको वो परचेज करना होगा, मेरे साइट मेरा बन रहा है तो मैं आपको बता दूंगा, तो उसमें ज़्यादा कॉस्ट नहीं लगेगा, सिर्फ बुक जो मैं दूंगा, ठीक है, तो उसका 500 के आसपास कॉस्ट पड़ेगा। उसमें सारा मटेरियल्स जितने भी STET के रिगार्डिंग रिलेटेड है, बाल मनोविज्ञान से लेके, अगर साइंस के लिए है तो मैथ और जो भी टीचिंग मेथोडोलॉजी है, साथ साथ अगर आप सोशल साइंस के लिए तो पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी सिविक्स में कवर करूँगा। और मैंने जहाँ तक कवर किया था तो क्वेश्चंस बहुत सारे लड़े हैं, बहुत स्टूडेंट्स बोल रहे थे, और तो बहुत लोग वीडियो बनाए, लेकिन जो मैंने बनाया है एक एक वीडियो में बहुत सारा क्वेश्चंस लड़ा है। जैसे पृथ्वी की जो मैंने भूगोल का एक चैप्टर बताया था, वहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए भूगोल से। फिर आपका जो है बिहार के बारे में मैंने कुछ जानकारियाँ दिया था, उससे आए हैं। फिर संविधान से मैंने एक वीडियो लेक्चर बनाया था, उससे भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो एग्ज़ाम में देखिए यहाँ पे बेसिक्स क्वेश्चंस रहते हैं, और बेसिक ही क्लियर करना मेन आपका उद्देश्य होना चाहिए। और मेरे समझ से अगर आप अगर आप हाई स्कूल में STET भरते हैं तो अभी से अगर आप तैयारी करते हैं तो आप 6, 7, 8, 9, 10 ये जो 4 क्लास है उसका जो NCERT का बुक है, डीपली अच्छे से आप एक बार अध्ययन कर लें, इससे बढ़ के आपका जो नॉलेज कहीं से नहीं पूछेगा, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस जो बिहार से रिलेटेड आता है तो वो मैं आपको वीडियो लेक्चर के माध्यम से बता ही दिया था, और बहुत सारे क्वेश्चंस आए जो मेरे वीडियो लेक्चर्स से रिलेटेड बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चंस पूछे गए थे। और मैं आशा करता हूँ कि जो मैं नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊँगा और STET में अगर आप बैठेंगे तो ज़रूर वहाँ पे क्वेश्चंस लड़ेंगे। ऐसे क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा टाइप का क्वेश्चंस था आपके एग्जाम में, लेकिन फिर भी क्वेश्चंस में कोई ऐसा नहीं है कि वो मतलब बिल्कुल अटपटा है, थोड़ा सा है, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप मेहनत करें और अच्छे से मेहनत करेंगे तो ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। यहाँ आपको कितना नंबर लाना ही है, 150 क्वेश्चंस में आपको 90 नंबर तो लाना ही है, 60% को लाना है, तो अगर आप थोड़ा सा मेहनत करते हैं तो आप आसानी से यहाँ क्वालिफाई कर सकते हैं। ऐसे तो जो नोटिफिकेशन आ रहा है उसमें दिखाई दे रहा है कि 50% पे ही बच्चे क्वालिफाई हो जाएंगे STET, लेकिन क्या होता है पता नहीं, अभी
इसके बारे में कुछ नहीं बोलूँगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो लगातार वीडियो चैनल देखते रहें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करें, मेरे चैनल के बारे में जरूर बताएं, ठीक है स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।